बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रॉस मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, आज आप सब बहुत ही टेस्टी स्टर फ्राइड सॉसी विंग्स की रेसिपी शेयर करूंगी विदाउट फ्राई की। आप किस तरह से इस मज़ेदार से विंग्स को रेडी कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी विंग्स के अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का ऐड कर लिया। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का यूज़ करेंगे। 2 to 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर डार्क सॉस सॉस के ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून चिली सॉस के ऐड करेंगे। तमाम मसाला जात को जायके के हिसाब से आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके नेक्स्ट डे आप इसको झटपट से रेडी कर सकते हैं। आप एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल मैंने ऐड किया 1/4 कप और इसके अंदर 4 to 6 मैंने गार्लिक क्लॉव्स लिए जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। इसको ऐड करेंगे लाइट गोल्डन होने तक, हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना। उसके बाद हम इसके अंदर विंग्स को ऐड करेंगे जिसको हमने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो विंग्स को जब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तो आपने इसको तब तक फ्राई करना जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो 5 मिनट के लिए ई साइड आपने इसको कुक करना है। देखिए, अभी जब आप 5 मिनट ई साइड कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा ये कलर आ जाएगा। तो आपने इसको दोबारा से 5 मिनट दूसरी साइड पर भी इसको कुक कर लेना। उसके बाद 6 टेबलस्पून स्वीट सोया सॉस के और 1/2 कप इसके अंदर बारबेक्यू सॉस का ऐड करना। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा। सॉसेस को ऐड करने के बाद 6 to 8 मिनट के लिए आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है ताकि जो सॉस का कलर और फ्लेवर है बहुत अच्छा सा हमारे विंग्स के ऊपर आ जाए। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे विंग्स रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।